हेलो, वेलकम टू डलकेट। और आज हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं DC-9911T, जो कि डलकेट का एक डबल डिन टच स्क्रीन कार स्टीरियो है। तो कुछ इस तरह से इसका बॉक्स दिखता है, आप देख सकते हैं। इधर इसके सारे फीचर्स मेंशन्ड हैं और हम उसके बारे में डिटेल में भी बात करेंगे। तो चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं। ये बॉक्स आपको कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। पहले इसका एक बार सारा कंटेंट बाहर रख लेते हैं, फिर उसके बाद एक एक कंटेंट के बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं। ये तो हो गया हमारा हेड यूनिट, इसको भी हम बाद में रिवील करते हैं। पहले डिस्कस कर लेते हैं कि बॉक्स के अंदर इसके साथ में क्या क्या आता है। सबसे पहले तो आपको एक मिलता है 3.5 mm मॉक्स केबल, जिसके साथ में अपना फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं ऑक्स के थ्रू एंड म्यूज़िक को प्ले कर सकते हैं। ये इसके साथ में स्पीकर केबल्स, देन इसके बाद में पावर केबल्स, और इसके केबल्स के रिगार्ड में हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, जिसके अंदर हम हर केबल का हर फंक्शन को डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे, ताकि आपको वायरिंग के अंदर कोई अभी इशू ना हो। उसके साथ ही आता है ये एक रिमोट, जिसके अंदर आपको सारे ही ऑप्शन मिल जाते हैं, पावर मोड, ऑन ऑफ, कॉल पिकअप, कॉल डिसकनेक्ट। तो ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे और आप देख सकते हैं रिमोट बहुत ही स्लीक दिखता है। एंड इसके अलावा आपके साथ में इसके साथ में आपको मिलता है एक यूज़र मैनुअल, जिसके अंदर में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे, जैसे कि प्रोडक्ट के फीचर्स, उसके फंक्शंस, बैक के फंक्शंस, वायरिंग की डिटेल्स, रिमोट का डिस्क्रिप्शन एंड इवन वार्निंग्स, प्रोडक्ट गाइडलाइंस, इंस्टॉलेशन के रिगार्डिंग। मतलब आपको ए टू जेड सारा डिटेल इसके अंदर आपको मैनुअल के अंदर मिल जाता है। और उसके साथ में एक छोटा सा थैंक यू कार्ड हमारी कंपनी की तरफ से आपको मिलता है, जिसके अंदर आपको सारी हमारी कंपनी की कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह सब कुछ मैंशनड होंगे, जिसके थ्रू आप हमसे मतलब कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड एक इसके साथ में आपको एडिशनल माइक्रोफोन मिलता है। इसके अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट माइक्रोफोन तो है ही, बट एडिशनल माइक्रोफोन से क्या फ़ायदा होता है कि आप अगर आपकी जो वॉइस क्लैरिटी है जब आप बात करते हैं तो वो और इन्हांस हो जाती है, या आप डायरेक्टली कार सीट का कनेक्ट कर सकते हैं। एंड ये सब तो हो गया एक जनरल बॉक्स का कंटेंट। अगर आप इसको आप दो वेरिएशन में ऑर्डर कर सकते हैं, या तो कैमरा के साथ या कैमरा के बिना। अगर आप कैमरा के साथ ऑर्डर करते हैं तो आपको ये चार चीज़ें एक्स्ट्रा मिलती हैं। एक आपका जो मेन कैमरा हो गया, ये आपका 8 LED रिवर्स पार्किंग कैमरा होगा, साथ में कैमरा का मेन केबल जो कि आपका गाड़ी के आगे से लेकर पीछे तक फ्लो करेगा, जो आपको कैमरा को कनेक्शन देगा, देन ये कैमरा का पावर केबल, एंड एट द एंड ये कैमरा का हॉल सॉ, जिसके थ्रू आप मतलब अपने गाड़ी के बैक बम्पर के अंदर होल्ड कर सकते हैं फॉर द कैमरा। तो ये चार फीचर आपको तभी मिलेंगे जब आप कैमरा के साथ में इस प्रोडक्ट को ऑर्डर करेंगे। आप किसी भी तरह से इसको कैमरा या विदाउट कैमरा ऑर्डर कर सकते हैं। चलो अब हम हेड यूनिट की बात करते हैं कि हेड यूनिट में आपको क्या क्या मिलता है एंड कैसे कैसे मिलता है। आप ये देख सकते हैं इसका हेड यूनिट कुछ इस तरह का दिखता है, ऑल ब्लैक फिनिश में आपको ये मिलता है और बिल्कुल स्लीक डिजाइन है। तो अब चलिए इसके एक एक फीचर को पहले हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये सब इसके बटन्स को मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले ये आपको टॉप पे दिख रहा होगा इसका इनबिल्ट माइक्रोफोन है, IR, ये आपका रिमोट कंट्रोल यूज़ करने के लिए होता है। एंड उसके बाद में यहाँ पे नीचे बैक का बटन है, नीचे फॉरवर्ड है, उसके बाद ये बीच का बटन जो है ये मेन्यू और पावर दोनों के बटन की तरह काम करता है। मेन्यू एज इन आप मोड भी इससे चेंज कर सकते हैं और टर्न ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हैं इसको। और उसके बाद में आपको एक वॉल्यूम नॉब मिलता है, और ये वॉल्यूम नॉब मल्टी फंक्शनल वॉल्यूम नॉब है, तो इसके अंदर आप क्लिक करके आप काफ़ी सारी चीज़ें और एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि मैं अभी जब इसको पावर ऑन करूँगा तब मैं आपको उसको डिटेल में दिखाऊंगा उस फंक्शन को। नीचे आपको फिर एक TFT कार्ड स्लॉट मिलता है, जिसके अंदर आप अपना मोबाइल का SD कार्ड आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं सॉन्ग सुनने के लिए। साथ ही साथ इसके नीचे इसको ऑक्स इनपुट मिलता है, इसके साथ में हमारा जो ऑक्स केबल जो हमने भी आपको दिखाया था, आप ये ऑक्स केबल इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। और उसके बाद में फाइनली ये USB पोर्ट मिलता है, इसके थ्रू या तो अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं या फिर अपने पेन ड्राइव से सॉन्ग्स चला सकते हैं। तो जैसे भी आपका हो आप वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसके पीछे की तरफ चलते हैं। पीछे की तरफ आपको सबसे पहले तो ये मिलता है पावर के लिए इनपुट,
जिसके अंदर आपका ये जो वायर्स हैं पावर के, ये वायर्स एंड स्पीकर वायर्स, ये दोनों वायर्स आपका कनेक्ट होंगे, ठीक है। उसके साथ में एक आपको फ्यूज़ मिलता है। ये फ्यूज़ का क्या पर्पस होता है कि आपके स्टीरियो पे ओवरलोड नहीं होने देता है, इनकेस अगर आपकी वायरिंग में कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कुछ भी दिक्कत होता है, तो वो फ्यूज़ के ऊपर लोड आ जाएगा, आपका कार स्टीरियो बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगा। देन आप देख पा रहे होंगे एक छोटा सा एक 3.5 mm जैक पीछे भी दे रखा है। ये जो जैक है ये माइक के लिए दे रखा है, जो आपको हम साथ में एडिशनल माइक दे रहे हैं, आप वो वाला माइक इधर प्लग इन कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपका आप माइक डायरेक्टली प्लग इन कर सकते हैं। उसके बाद में आपको 6 RCA आउटपुट एंड इनपुट मिलता है, जिसके अंदर में आप अपना रिवर्स पार्किंग कैमरा, AV IN एंड ऑल दैट, ये सब चीज़ें आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। एंड फिर आपको एक सॉकेट मिलता है एंटीना के लिए, जो कि आपको हेल्प करेगा वाइल जब आप एंटीना, आपको अपना FM रेडियो चलाना होगा, तो FM रेडियो का एंटीना आपका डायरेक्टली यहाँ कनेक्ट होगा। तो ये तो हो गई इसके डिटेल फंक्शन की बात एंड इसकी लुक्स की बात। एंड अब इसको एक बार ऑन करके देखते हैं कि ऑन करने के बाद कैसा दिखता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये कुछ इस तरह से ऑन होता है, और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल बेहतरीन दिखता है ऑन होने के बाद में। आप ये मेन बटन दबा के आप इसके मेन्यू पे जा सकते हैं। इसके एक एक फीचर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो मैं आपको वॉल्यूम नॉब का बता रहा था, मैं आपको वो फीचर के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा। और आपको ये जो LED है, ये 7 कलर LED मिलती है, जिसको आप चाहें तो कलर को लॉक भी कर सकते हैं, वो भी हम अभी आगे वीडियो में आपको दिखाएंगे। पहले बात करते हैं वॉल्यूम बटन की। अगर आप वॉल्यूम बटन को नॉर्मली मूव करेंगे, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे वॉल्यूम अप और डाउन हो रहा है। आप इसको एक बार क्लिक करते हैं, आप EQ को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उसके बाद में आप बेस को चेंज कर सकते हैं एंड उसके बाद ट्रेबल को, उसके बाद एक और क्लिक के बाद आप बैलेंस को लेफ्ट राइट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास में आ जाता है फेडर कंट्रोल। फेडर कंट्रोल जिनको नहीं पता वो क्या होता है, फेडर कंट्रोल में क्या होता है, फ्रंट और बैक के स्पीकर्स अलग अलग टाइम पर एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जैसे बैक के स्पीकर्स ना चलाए जाएँ, तो आप फेडर फंक्शन के थ्रू ओनली फ्रंट के स्पीकर्स एक्टिवेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपके लाउडनेस ऑन ऑफ का फंक्शन आपको इसमें मिलता है। फिर उसके बाद आपको ब्राइटनेस का ऑप्शन मिलेगा, ब्राइटनेस, सेचुरेशन, कॉन्ट्रास्ट, ह्यू, ये सारे फंक्शन आपको मिलते हैं। सो दैट आपको पूरा कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है। तो अब इसके एक एक फीचर के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला फीचर जो आपको मिलता है USB, जैसे हमने बताया था, आप डायरेक्टली अपना USB पेन ड्राइव जब कनेक्ट करेंगे तो आपका ये फीचर चालू हो जाएगा। अभी आपको दिखा रहा होगा नो USB कनेक्टेड, सेम SD कार्ड के साथ है, अभी भी दिखा रहा है कि नो SD कार्ड। और उसके बाद में आ जाता है आपका रेडियो फंक्शन। रेडियो स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखेगा आपका। एंड उसके बाद आपका ब्लूटूथ का फंक्शन है। ब्लूटूथ फंक्शन में जब आपका फ़ोन कनेक्ट होगा, तो आप यहाँ से डायरेक्टली कॉल्स कर भी सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं, अपने कॉन्टैक्ट्स को सिंक कर सकते हैं, आपका फ़ोन से म्यूज़िक को प्ले कर सकते हैं। एंड इवन आपका जो कॉल लॉग्स है, सारा का सारा कॉल लॉग्स भी इसके अंदर में सिंक हो जाएगा। बट ये सिर्फ तभी होगा जब आपका फ़ोन कनेक्टेड होगा। अभी जैसे आप देख पा रहे हैं, इसके साथ कोई फ़ोन कनेक्टेड नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। एंड फिर ये AV इन का सॉकेट आता है। जब तक आपने AV आउटपुट पीछे दे रखा होगा, तो आप यहाँ पे उसको चला सकते हैं। ऑक्स इन, जैसे आपने बताया कि जो भी आपका ऑक्स का केबल साथ में मिलेगा, आप ऑक्स से अपने फ़ोन को कनेक्ट करके सॉन्ग्स को प्ले कर सकते हैं। एंड फिर इसके बाद में आता है A-Link। ये जो कार स्टीरियो है, ये मिरर लिंक सपोर्ट करता है एंड्रॉयड और iOS दोनों डिवाइसेस के लिए। और उसके लिए हम एक अलग से ट्यूटोरियल बना देंगे कैसे आप मिरर लिंकिंग कर सकते हैं। बट ये ऑप्शन आपको मिरर लिंकिंग में सपोर्ट करेगा, जैसे आप देख पा रहे होंगे नो सेल फोन कनेक्टेड। अब सेटिंग्स के अंदर आ जाते हैं। इसके अंदर आपको काफ़ी सारी सेटिंग्स मिलते हैं, तो आप अपने कार चीज़ों को पूरी तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आप भी पार्किंग वीडियो डिस्प्ले ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, फिर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ऑन ऑफ कर सकते हैं, ऑटो कनेक्टिविटी को, ऑटो आंसर, फिर उसके की लाइट्स, आप लाइट्स चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं चाहूँ तो इसको ग्रीन पर लॉक कर सकता हूँ, इस लाइट को आप देख पा रहे होंगे, जैसे रियल टाइम हम ये चेंज कर सकते हैं, रेड पर लॉक कर सकते हैं, वरना आप साइकिल चलते रहने दे सकते हैं, सारी लाइट्स इकट्ठे चलती रहेंगी। फिर आप इसके अंदर टाइम, डेट, फॉर्मेट सब कुछ चेंज कर सकते हैं। फिर आपको लैंग्वेजेस के ऑप्शन मिल जाते हैं, काफ़ी सारे लैंग्वेज ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिलते हैं। इसमें 4 आपको डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर्स मिल जाते हैं, ताकि आप अपने सेट को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकें, जैसे आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद में आपको ऑडियो के और कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं, जो हम बाहर से कंट्रोल कर रहे थे, आप सारी चीज़ें यहाँ पर डायरेक्टली पूरी स्क्रीन से भी कंट्रोल कर सकते हैं, कि आपका लाउडनेस, इक्वलाइजर, बेस, ट्रबल और गाड़ी की सेटिंग्स, कौन से स्पीकर से आपको आवाज़ चाहिए, ठीक है। फिर फाइनली आता है स्टेयरिंग व्हील कंट्रोल के ऑप्शंस। अगर आप अपने गाड़ी के अंदर आपके स्टेयरिंग व्हील कंट्रोल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तो आप उसको कनेक्ट करके उसकी सारी सेटिंग्स यहाँ से भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं ये आपके वही सेम फंक्शन, सारे के सारे ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर यहाँ पर आपको सिस्टम इन्फॉर्मेशन दिखाएगा, एंड देन एक ऑप्शन है इसमें फैक्ट्री रीसेट का। और इसके बाद अगर ऊपर के ऑप्शंस की बात करें, तो ये आपका एक बैक बटन आपको मिलता है, जो भी आपका प्रीवियस जो भी चल रही होगी स्क्रीन, उस पर आपको ले जाएगा।
और उसके बाद ये मिलता है आपको डे नाइट एंड टर्न ऑफ स्क्रीन का ऑप्शन, जिसके अंदर आपकी स्क्रीन ऑफ भी हो जाएगी तो आपके जो सॉन्ग्स वगैरह है जो भी है वो चलता रहेगा इसमें, मतलब डे टाइम इवनिंग टाइम एंड ये। तो आप इस कार स्टीरियो को अगर आप देख पा रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि इसमें सारे आपको बेसिक फीचर सारे मिलेंगे जो कि आपको एक टच स्क्रीन कार स्टीरियो में चाहिए होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो टच स्क्रीन है वो फेदर टच टच स्क्रीन है, जो कि मतलब कैपेसिटिव डिस्प्ले के साथ आता है, तो जो कि बहुत स्मूथ है। और इसका बेस्ट पार्ट ये हो जाता है कि ये यूनिवर्सल फिट कार स्टीरियो है, तो नो मैटर आपका कोई भी कार हो, अगर आपका डबल डिन का यूनिवर्सल स्लॉट है तो ये उसके अंदर फिट हो जाएगा। तो आपको डाउट करने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे फिट होगा, क्या होगा नहीं होगा। काफ़ी लोग हमें ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरी गाड़ी में फिट होगा कि नहीं होगा, तो ये यूनिवर्सल फिट साइज़ है। तो यूनिवर्सली कार जो भी बनती हैं उसमें अगर डबल डिन स्लॉट है तो वो स्लॉट इसी साइज़ का होता है, 7 इंचज का जो स्लॉट होता है आपका, उसके अंदर ये परफेक्टली फिट हो जाएगा। और आप अगर चाहें आप इस कार स्टीरियो को किसी भी मेजर पोर्टल से ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, क्लब फैक्ट्री, स्नैपडील, पेटीएम मॉल, हम हर जगह अवेलेबल है। एंड अगर आपको एडिशनल डिस्काउंट्स चाहिए हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर तो डायरेक्टली आप हमारी वेबसाइट पे जाके भी ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि है डलकेट इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट इन। एंड वेबसाइट की डिटेल्स एंड उसके कूपन कोड की डिटेल्स, आप कैसे डिस्काउंट ले सकते हैं वो सब डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हो गया होगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो अभी के लिए आई थिंक मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कार स्टीरियो के बारे में डिटेल में, आप देख सकते हैं सब कुछ आपको पता चल ही चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, एंड आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं आप हमारी तरफ से। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।